ए, तू उसके साथ बातें क्यों कर रही थी? किसके साथ बात कर रही थी मैं? अच्छा, उस गाड़ी वाले लड़के के साथ सीढ़ी पे खड़े होकर क्या बातें कर रही थी? मैंने कोई बात नहीं की मम्मी, वो खुद आया था मुझसे बात करने के लिए। वो खुद आया था तेरे से बात करने? अगर ऐसा है तो चप्पल उतार कर मारा क्यों नहीं उसे? उसकी बातें तो तुझे बहुत अच्छी लग रही थी ना? आज कही थी मम्मी, मैंने उसे बात नहीं की, मुझे ये भी नहीं पता वो कब आया था। तो वो जब आया तो तू रुक क्यों गई? मैं जहाँ चाहूँगी अगर वो आ जाए तो केस में मेरी गलती है। वाह बिटिया रानी, तेरी कुछ भी गलती नहीं है, जो भी गलती मेरी है, है ना? अच्छा अगर तुझे शादी करने की इतनी जल्दी है तो मुझे साफ साफ बता दे, किसी लड़के को पटा ले मैं तेरी शादी उसी से करा दूंगी। हाँ तेरी माँ शादी कराने की हिम्मत रखती है, करा देगी। तुझे लेकर मैं परेशान हो गई, समझती ही नहीं, मेरी किस्मत खराब है। तुम ऐसे क्यों बातें कर रही हो? मैंने क्या गलती की है? एक दिन भी प्यार से बात की है आपने? हमेशा गुस्से में रहती हूँ, डांटती रहती हूँ मुझे। रोज रोज ऐसा तिल तिल मारने से अच्छा है एक ही बार में मार दो मुझे, तभी तुम्हें सुकून मिलेगा। लेकिन तुम्हारे सिवा मेरा है कौन? मेरे सामने नाटक मत कर। तेरी माँ हूँ मैं, समझती हूँ तुझे, मर जाऊंगी कह रही हो लेकिन मरने वाली कहाँ हो? चल जा। मैं भी कभी तेरी तरह बातें किया करती थी लेकिन अभी भी जिंदा हूँ। चला। चाहते हैं तो तुम यहाँ आ करके बार बार क्यों धमकाते रहते हो? हैं? क्या समझते हो तुम अपने आप को? क्या तुम मुझे गुंडों से डरा रहे हो? क्या क्या बक रहे हो? अपनी जायदाद को गरीबों में दान देने वाले परिवार से हैं हम लोग, दूसरों की रोजी रोटी पर लात नहीं मारते, मेहनत करके खाते हैं, दूसरे को बर्बाद करने की मत सोच। तेरी सोच इतनी नीच कैसे हो गई? फिर से अगर दोबारा मेरे कान में इस तरह की बात आई तो तेरे इस भारी भरकम शरीर में तेरा ये सिर नहीं रहेगा। चल जा यहाँ से। क्या है रे, क्यों घूर रहा है? चल जा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब देख लूंगा। इसको सबक सिखाना ही होगा।